हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोडिंग क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल कोडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है हर फील्ड के लिए, हर जॉब के लिए कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोडिंग क्या है, हमें क्यों सीखनी चाहिए कोडिंग, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हम सबको पता है कि दुनिया में कितनी तरह की भाषा होती है, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज, इंडियन, अमेरिकन, कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो अगर कोई मेरे सामने आकर स्पैनिश में मेरे साथ बात करेगा, मुझे समझ में नहीं आएगा क्योंकि मुझे स्पैनिश नहीं आती। तो ऐसे ही हम सिर्फ उन इंसानों के साथ बात कर सकते हैं जिन्हें हमारी लैंग्वेज आती है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर आ जाता है कि अगर कोई हमारे सामने आए जो हमारे साथ कम्युनिकेट ना कर पाए, तो ना हम उससे कोई बात कर सकते हैं, ना उसके साथ कोई काम कर सकते हैं। हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ काम कर पाएंगे जिनके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिनके साथ हम बात कर सकते हैं, जिनके जिनकी और उन सामने वाले और मेरे पास कोई एक कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन भाषा हो कि वो मुझे समझ पाए और मैं उसे। तो अगर मैंने कंप्यूटर से बात करनी है, कंप्यूटर तो कोई इंसान भी नहीं है, तो वो कैसे समझेगा मेरी बातों को जो मैं उससे करवाना चाहती हूँ। अब देखिए, कंप्यूटर तो एक मशीन है जो बनाई गई है हमारी हेल्प के लिए। अब मैं कंप्यूटर से हेल्प तभी मांग पाऊंगी कि अगर कंप्यूटर मेरी बात को समझेगा। अगर मैं उसे बोलूंगी कि मैं एक वीडियो गेम बनाना चाहती हूँ जिसके लिए मुझे कार्स चाहिए, मैंने और स्कोर सिस्टम बनाना है, सब कुछ बनाना है, वो मैंने कंप्यूटर के ऊपर काम करना है, तो मैंने कंप्यूटर को कहना है वो काम कि मेरी हेल्प करो ये बनाने में, तो कंप्यूटर मुझे कैसे समझेगा। अगर मैं हिंदी में बात करूंगी, इंग्लिश में बात करूंगी, वो नहीं समझेगा। ठीक है, तो क्यों, व्हाई व्हाई हमने सीखना है कंप्यूटर की लैंग्वेज को, क्यों हम, क्योंकि हमने कंप्यूटर से काम करवाना है। तो जैसे कि मैंने बोला कि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेजेस नहीं आती, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती, फ्रेंच, स्पैनिश, चाइनीज, ये कोई लैंग्वेज उसे नहीं आती। उसके पास अपनी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज। तो वो जो लैंग्वेजेस हैं सिर्फ कंप्यूटर को वो पता है, और अगर मैंने कंप्यूटर से काम करवाना है तो मुझे उसे उस लैंग्वेज में कमांड देना होगा। तो आई शुड नो कंप्यूटर लैंग्वेज कि मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकूं, कमांड दे सकूं। तो हम क्या बोलेंगे, कोडिंग क्या है, कंप्यूटर को कंप्यूटर की ही भाषा में, कंप्यूटर की ही लैंग्वेज में कमांड करना ताकि वो हमारे लिए कोई काम करे। तो मैं आपको एक बात ध्यान दिला दूं कि कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, कोडिंग कोई भाषा नहीं है, कोडिंग क्या है, कोडिंग है कंप्यूटर को कमांड देना, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना कि वो हमारे लिए काम करे, और वो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को कंप्यूटर की ही लैंग्वेज में देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को कोडिंग कहते हैं। और जैसे हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, पंजाबी, मराठी, स्पैनिश, फ्रेंच, ऐसे ही कंप्यूटर की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, C++, HTML। तो ये लैंग्वेजेस आप सीख कर कंप्यूटर को कमांड कर सकते हो, आप कंप्यूटर को कोड कर सकते हो। तो आगे की जानकारी के लिए, आगे कोडिंग कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं, आप नेक्स्ट वीडियोस देखें। थैंक यू।